अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है आलू मटर का पुलाव। ये बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। इस रेसिपी को बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो है आलू 1/2 kg, प्याज 2 अदद, उनको आप इस शेप में कटिंग कर लें, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक 1.5 खाने का चम्मच, हरा धनिया 1 खाने का चम्मच, टमाटर 2 अदद, उन्हें आप क्यूब्स में कटिंग कर लें, मटर 3/4 कप या 3 पाव, चावल 1.5 किलो या ये तकरीबन 3 ग्लास बन जाएंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने के चम्मच, ऑयल 1.5 कप, ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, दालचीनी की 3 स्टिक्स ले लें आप, बड़ी इलायची 2 अदद, लौंग 5 से 6 अदद। पुलाव बनाने के लिए हमने बासमती चावल लिए है, उसको आपने आधे घंटे के लिए भिगो के रख देने हैं। एक पतीले में आपने ऑयल डालकर उसको गर्म करना है और प्याज शामिल कर देने हैं। प्याज को आपने इतनी देर पकाना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए और आपने इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाना है। अब आप इसमें गरम मसाला शामिल कर लें और इसको मिक्स करें। इसमें हम ग्रीन चिल्ली पेस्ट 1 टेबल स्पून लेंगे। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन होने लग जाए तो आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसको मिक्स करें। और साथ ही इसमें ग्रीन चिल्ली पेस्ट डाल दें, नमक, लाल मिर्च डाल के इसको मिक्स करें और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लें ताकि ये जले नहीं। अब आप इसमें टमाटर और कुछ धनिया पाउडर डाल के इसको मिक्स कर लें और 1 मिनट के लिए पकाएं। अब आप इसमें आलू और मटर डाल के इन्हें मिक्स करें और थोड़ी देर के लिए भूनें। अब आप इसमें 5.5 कप पानी डाल दें। हमने बासमती चावल इस्तेमाल किए जो कि तकरीबन 3 ग्लास के बराबर थे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे 5.5 ग्लास पानी के बनते हैं। आपकी जितनी भी राइस की क्वांटिटी होगी आपने हमेशा उसके डबल पानी लेना है। अगर पानी आपको कम लगे तो आप इसमें बाद में शामिल कर सकते हैं। जैसे ही पानी बॉयल होना शुरू हो जाए तो आप इसमें चावल शामिल कर दें। चावल शामिल करने के बाद आप इसको मिक्स कर लें और इसको कवर करके रख दें ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। यहाँ देखिए तकरीबन पानी ड्राई होने वाला है, थोड़ा थोड़ा रह गया है, तो आप इसको कवर कर दें ताकि जब तक कि मुकम्मल खुश ना हो जाए। पानी यहाँ खुश्क हो चुका था, तो अब इसको आप दम पे रख दें बिल्कुल हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए। तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं और चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है, आप इसको लाजमी ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।